कोई भी मदरबोर्ड हो, चाहे तुम्हारा लैपटॉप का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे मोबाइल का हो, ये जो मदरबोर्ड है इसमें क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यानी कंपोनेंट जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ही हम सिखाएंगे और आपके काम का वही है। लेकिन जो डिजाइनर होता है, ठीक है, कई लोग डिजाइन करते हैं, तो इन तीन चीजों को मिलकर बना, तो समझिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तीन चीजों से ये मिलकर मतलब कि बना होता है, इसके मतलब पूरा मदरबोर्ड रेडी होता है। डिजाइनर डिजाइन तैयार करते हैं, उसमें डिजिटल, उसमें बेसिक और डिजिटल दोनों मिलाई जाती है, किस बोर्ड पे कितना सीखे हो, कितना कंपोनेंट कौन सा कहाँ लगे, और हम लोग जो रिपेयरिंग करते हैं वो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखते हैं। आई बात समझ में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपको सीखना है, तो ये फ्यूचर का वर्किंग आपको समझ में आए कैसे वर्क कर रहा है। और इस पे जैसे बड़े लेवल पे जैसे हम लोग देखते हैं, उसको एक कांच में बंद कर दिया जाए, कांच में बंद कर देते हैं। कांच में क्यों बंद करते हैं, दिखा दे रहे हैं बोनका मैडम, मेरा मोबाइल ले जाइए, कॉलें आ रही हैं, पता नहीं कोई परेशान है मैम, दो दिन से बड़ा ओटीपी आ रही है अपने आप। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रही है आपकी, क्या दिखाई दे रही है सर, वीडियो नहीं दिख रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वीडियो जो मेरा जहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही है उसको पिन वीडियो कर दीजिए, पिन वीडियो कर दीजिए, ओके सर, थैंक यू सर, बात बंद कर दीजिए। डीसी मशीन मैडम रखी हो किसके पीछे लगा होता थी, उसे खोल लाइए, उसको जो चालू मशीन है उनकी लेके आइए, जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर में भी जो है लगा होता है, और कहाँ लगा होता है, इन्वर्टर में लगा, फ्रिज में लगे होते हैं, ठीक, बोर्ड में भी लगे होते हैं, वगैरह में भी लगे होते हैं, तो नॉर्मल चीजें हैं, आप खुद जो है सही कर सकते हो। नहीं मिला डीसी मशीन उठा के लौट, नहीं वाली, हाँ इधर ले आओ, चालू मशीन लेके आओ जो रेडी है डीसी, हाँ ये तो नहीं पता, सबने देखा ही होगा, ऑनलाइन वाले तो सारे नहीं देखा, उनको भी हम दिखाए दे रहे हैं, कहाँ पे आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा बड़ा ऑनलाइन वाले की फ्यूज देखा है भाई, तब तो ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, देखा है सर, देखा है, देखा है, कट गई, अरे उस नंबर से लगा लीजिए भाई, मोनका मैडम के नंबर से, पी ए ऑनलाइन वाले, ये देखा है फ्यूज, और देखा है तो कांच क्यों लगाई जाती है, कांच क्यों लगी होती है बताओ, कोई बताए, देखने के लिए तो क्या मतलब, वायर का कांच में लगा तब भी देख सकता है, लेकिन गले तो जी बिल्कुल सही, ठीक है, क्यों आग कहाँ पे लगती है, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, पढ़े होंगे खूब, आग कहाँ पे लगती है, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और इधर कौन है भाई, लोग तो कहते हैं भाई दिलों में आग लगी हुई है, दिलों में आग नहीं लगती भाई, है दिल में आग नहीं लगती है, ठीक है, भूत माई गुस्सा वगैरह होती है, ठीक है, तो सबको पता है कि ऑक्सीजन जहां पे होती है वहां पे आग अगर जलाओगे जलेगी, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं वहां पे आप आग नहीं जला सकते,
ठीक है। अब ये मान लो इस सर्किट में जब ये फ्यूज तुम्हारा लगा है, जिस भी सर्किट में तुम्हारा ये फ्यूज लगा है, अब मान लो कोई अंदर लगा है किसी जगह पे और ये इसमें ओवर वोल्टेज आया, तो ओवर वोल्टेज आएगा तो ये वायर क्या होगा, जलेगा। ये वाला ये वायर जो इसके अंदर है ये जल जाएगा, जलेगा, लेकिन कितना जलेगा, जितनी इस कांच के अंदर ऑक्सीजन भरी है, बस एक बार लप से होगा जाके और काम खत्म, ठीक, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। अगर ये कांच ना लगी होती तो पता चले कि चिंगारी उठे और पूरी की पूरी सर्किट तबाह हो जाए उससे, इसलिए कांच लगाई जाती है। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल को, बताइए समझ में कि फ्यूज में कांच क्यों लगती है, कि जो इसमें इधर से पैक है, ठीक है, और उधर से पैक है, बीच में जितनी ऑक्सीजन है बस बस जला, ऑक्सीजन खत्म, बुझ गया वहां पर, इसलिए कांच लगाई जाती है। लेकिन मोबाइल में क्या है, मोबाइल में इतना ज्यादा वोल्टेज नहीं होता है, 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट आपको पता ही कितना, 3 वोल्ट से मोबाइल तुम्हारा जो है चलता है। तो इसमें क्या है कि इसमें इसी फ्यूज को छोटा कर दिया गया, ठीक है, ये नॉर्मल कंपोनेंट कहेंगे इसको, और जो छोटा कर दिया उसे कहते हैं SMD कंपोनेंट। क्या कहते हैं? SMD कंपोनेंट, ठीक। SMD का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस यानी कि सतह पर माउंट LCD डिवाइस, ठीक, वो तुम्हारे PCB के अंदर लगा हुआ। अब सतह का मतलब फिर समझ लीजिए, सरफेस का मतलब सतह, ऊपरी सतह पर। एक जो फ्यूज लगा है ये इसके बैक साइड में नहीं लगा होगा, ये इसके बैक साइड में नहीं होगा, ये ऊपर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ये तुम्हारे सारे के सारे SMD कंपोनेंट है। अगर हम टीवी रेडियो के सर्किट देखते हैं तो उसमें एक तरफ कंपोनेंट लगे होते हैं और दूसरी तरफ उसके सोल्डरिंग होती है, ठीक है, देखे हो कि नहीं देखे हो, आई बात समझ में। तो वर्किंग भी समझ में आ गई कि जब इस पे पावर ज्यादा आएगा या सिग्नल ज्यादा आएगा, अगर सिग्नल सेक्शन में लगा है तो क्या हो जाएगा, ये वहीं से खराब हो जाएगा और आने की जो सर्किट होगी वो सुरक्षित हो जाएगी, ये खराब का नहीं होगा। अगर जैसे इसमें लगा है तो जो हम लोग 2.5 वोल्टेज जब देते हैं बोर्ड से, तो सबसे पहले इस पे वायर से आएगा, फ्यूज से जाएगा पहले, फिर जाके अंदर सर्किट पे काम करेगा जाके, सरल है कंपोनेंट, आगे का काम बंद हो जाएगा, हाँ आगे का काम बंद हो जाएगा जाके। वर्किंग भी समझ में आ गई आपकी, वर्किंग की कैसे काम करते हैं। अब आती पहचान, रिकॉग्नाइज, यस सर, पहचान कैसे है तो आपको सिंपल से तो मैं बता दें, इस पे वो करके सिंबल होता है, एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, नोकिया के जो पुराने मोबाइल है, नए मोबाइल आते हैं उनमें ये पूरा का पूरा क्या होता है, ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन, हाँ, और कहां पे, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में आपको जो है देखने को मिलेगा। और बड़ा तो आपको पता ही है, हम लोग सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के बताएंगे, और लगे होते हैं डेटोल सेक्शन में या किसी और सेक्शन में, तो वाइट कलर के जो है लगे होते हैं, फुल वाइट, ये सफेद कलर के होते हैं। अब ये इसमें एक कंफ्यूजन है सफेद वाले, इसमें क्वाइल भी हो सकती है, क्या हो सकती है, क्वाइल भी हो सकती है, लेकिन टेस्टिंग दोनों की एक ही होती है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ने अपने एक ही तरह का जो है रूप बना लिया, ठीक है, डबल रोल कर लिया अपने आपको, ठीक है। लेकिन जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेक करेंगे, बेसिक, तब पता चलेगा ये फ्यूज है, कॉइल सफेद कलर की होती है, ये चार्जिंग सेक्शन, डेटा सेक्शन, और कभी कभी बीच में एक पॉइंट टाइप का लगा रहता है, मतलब कि आधा वो सफेद होगा, ठीक है, और आधा काला, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से रंग नहीं बदल पाया, ठीक है, ऐसे भी आपको मिलेंगे ये फ्यूज देखने को। अब मैडम मदरबोर्ड इन लोगों को दे दीजिए, देखेंगे, डाउनलोड करने पड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो हर मॉडल का अलग अलग होता है, लेकिन ये मानिए कि आपको स्टार्टिंग में इसकी आवश्यकता पड़ती है, स्टार्टिंग में
आवश्यकता पड़ती है, बस इसके बाद फिर तुम्हारा अनुभव ही काम करता है, पर आपको सर्किट डायग्राम ट्रेसिंग करने की आवश्यकता है। पीसीबी नहीं, पीसीबी बट हो पीसीबी कल बनने की। हाँ नहीं, अरे वो एंड्रॉइड वाले मोबाइल वाला डब्बा लेते हो, दो इनको मोबाइल दीजिए, काम करो। वायर्ड देखिए इसमें 30 भी है। ऑनलाइन वाले आप भी यही काम कर सकते हो, अपने पास जो मोबाइल के मदरबोर्ड रखे हैं उनमें चेक करिए, पहचानिए कुछ चीज ना समझ में आए। हाँ फिर हाँ कॉइल भी हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग दोनों की एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आले हैं तो क्या हुआ है, सफेद हो गए हैं भाई। देखिए सर, सफेद वाला कॉइल वहां बता है, व्हाइट 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 देखो, व्हाइट फुल व्हाइट है, ये वाला है ना सर। हाँ देखिए, क्रॉस सेक्शन में भी लगे होते हैं, इनका रूप जो है। हाँ ये व्हाइट, अब ये ब्राउन कैपेसिटर हो गया, जाके ये वाले व्हाइट तो ये क्वाइल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ जो भी बना रहे हैं है? लेकिन समस्या ये है, सेक्शन में लगे अगर बीप नहीं करेंगे तो जो है हम लोग चेंज कर देंगे। इन नोकिया वाला मोबाइल खोलिए, ठीक है, वाला मोबाइल खोलेंगे तो उसमें कहाँ निकाला, वो आधा है। हाँ ये वो आधा वाला है, नहीं कहते हूँ कौन सी कहावत है, खरबूजे के खरबूजे रंग बदलता है, ऐसा कुछ है, है? नहीं बदलता, हाँ बदलता, तू ये पूरे तरीके से बदल नहीं पाया, अभी बदल रहा है, अभी खोलो मोबाइल देखो। ऑनलाइन वालों समझ में आया कुछ, पहचाना इशान नहीं आया, राकेश सरकार बताइए, समझ में आ रहा है फिर? ओके ओके ओके, प्रशांत सर्वे, हाँ सब देख रहा हूँ, बोर्ड है, बोर्ड पे देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना भी। हाँ एक व्हाइट कलर का होगा, आधा व्हाइट होगा, ये हमने पूरा यहाँ पे बना दिया है, एक पे जीरो लिखा हो सकता है, ठीक है, ओ करके मैंने अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाया व्हाइट है, और ये वाला वो वाला तुमको जो है मिल जाएगा देखने को, ये ऐसे मतलब की लगे फ्यूज होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम नोकिया में भी जो है इसको ड्राइवर मैटर पार्क करें, बाद में लिख लें मैं, अभी हम टेस्टिंग और इसको बता देते हैं। पहचान लिए, मिले किसी को, नहीं मिली बताओ भाई, हमको नहीं मिली, ये नहीं मिली है। हाँ ये वो करके लिखा है, अरे यार सफेद नहीं, कलर नहीं यार तो सफेद, हाँ वही तो लिखा, सफेद ही देख रहे हैं। हाँ हाँ दिखाओ इनको यार, तुम मैं उनको बैठे क्या कर रहे हो, दिखाओ इनको, नहीं है, हाँ तो बताओ, दे दिए ये, ठीक है, व्हाइट वाली ये वाला है ना, ये है घर, ये वो दिख रहा है कहाँ, हाँ 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 ये सही घर है, चेक करेंगे। अब इनमें क्वाइल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग एक ही एक तो पहचान नहीं पाओगे, ऐसे आप सर्किट सिंबल से पहचान पाओगे। सर कौन कौन सेक्शन में फ्यूज लगा होता है, कौन कौन सी सेक्शन में फ्यूज लगा हो सर? नहीं भी लगा हो सकता मोबाइल के अंदर, ठीक है, ये डिजाइनर के ऊपर होता है, आपको काम पहचानना, टेस्टिंग करना, खराब हो बदल देना, ठीक है। छोटे वाले दो ना, यहाँ पे ये क्वाइल स्पीकर सेक्टर माइक है, माइक क्वाइल
तो ये क्वाइल में और माइक में आपको ये क्वाइल में और फ्यूज में यहाँ पर सफेद वाले इनमें आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे क्वाइल मान लो चाहे फ्यूज मान लो, ठीक है। टेस्टिंग बता दे रहा है आपस में बीप करने की, तो देखिए टेस्टिंग टेस्टिंग इसकी जो है देख लीजिए, टेस्टिंग आइकन किया है। पहले ये पूरा लिख लीजिए ना, फ्यूज को ऐप में प्रदर्शित करते हैं सर्किट सिंबल वर्क वर्किंग पहचान सर, इनको बनाने यहाँ बना लीजिए। हाँ बिल्कुल भाई, ये जहरे डाल दीजिए यही फ्यूज, ये सब चीजें काम की है। आधे पेज में तुम्हारा कंपोनेंट एक खत्म हो जाता है, बिल्कुल आसान बात है, सिंपल भाषा में, किताबी भाषा में। तो सर वर्क में लिख लीजिए सुरक्षा करना, क्या करना, सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, किसकी, जिस सेक्शन में वो लगा है उस सेक्शन में, पावर में, पावर वाले की, डेटा में, डेटा वाले की। डार्क ब्राउन, हाँ ये अभी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये नोकिया की पीसीबी देखो उन्होंने दी है, जनरली एक ही साइज के होते होंगे कि अलग अलग होते हैं, यही जितने टाइप के मैंने बताया यही मिलेंगे आपको, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहचानने के टेंशन ना लो, काले वाले आ जाए तुम समझते हो, बस सफेद वाले टेंशन छोड़ दो, क्योंकि सफेद वाले जो है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, सिग्नल सेक्शन या डेटा सेक्शन में आपको जो है वो जल्दी बल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। खराब है वो भी हम आपको बता देंगे चेक करने के लिए, ठीक है, चेक कर ली खराब है फिर किसी भी सेक्शन में लगाओ आप उसको सही कर सकते हो, ये नोट कर लिया, ठीक है। टेस्टिंग लिखिए, टेस्टिंग इसकी क्या है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करते हैं, आगे रखे क्या अंदर में, एक ही तो रखा है आपको, ये है कि दो तीन चार पड़े थे यहाँ पर, निकालिए दो दो तीन मिलते हुए इसे पड़े हुए, मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करते हैं, ठीक है। और चेक करने पर दोनों सिरे, जब आप एक मल्टीमीटर को बजर मोड पर जब आप लगाओगे, ठीक है, एक प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे एक प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि एक सिरे पे यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे, तो ये मल्टीमीटर से बीप की आवाज आएगी, क्या आएगी, बीप की, मल्टीमीटर से बीप की आवाज आएगी, चेक करिए। और ऑनलाइन वाले आप लोग भी अपने पास मोबाइल वगैरह खोल के रख लीजिए, चेक टेस्टिंग करिए, अब वो चाहे सफेद हो चाहे नीला हो चाहे पीला हो, टेस्टिंग बीप करेगा और ग्राउंड से बीप नहीं करेगा, माइनस ये होता है क्योंकि मोबाइल होता है, मोबाइल के पास जो पट्टी होती है बार बार ये कॉपर की, ये निगेटिव होता है, ग्राउंड कहते हैं, इससे बीप नहीं करना चाहिए, बीप करेगा नहीं, पर तो खराब नहीं है उस सेक्शन में शॉर्टेज,
आपस में डिप करेगा बस, नहीं करना चाहिए तो वो सेक्शन शॉर्ट है, उसको क्या चेंज करना पड़ेगा यार, सेक्शन में देखना पड़ेगा क्या खराबी है। वो लिख के आने दोस्तों को बताइए कि टेस्टिंग जो है वो सही है। ये चालू सेक्शन में लगा है थोड़ा कैमरा जूम कम करिए, खत्म करिए, और पीछे और पीछे और लगा पीछे, ये भी है ना सर, हाँ ये भी है, हाँ काला काला है, हो रहा है धीरे हो जाए तो एक साथ लगे तीन फ्यूज एक साथ लगा दिए, चार्जिंग है ये तो लगे भाई, ये आ गए देखो तीन लगे हैं यहाँ पे, ठीक है तीन जो है यहाँ पर जो है लगे हुए हैं, बताइए आप तीनों चार्जिंग अब चार्जिंग नहीं है, ये जो तुम्हारा स्पीकर का है तो यहाँ पे लगा दिए सिग्नल के लिए, स्पीकर के पॉइंट है वहां पे, तो वो उनकी भैया मजबूरी है, उनको जो भी अच्छा लगेगा सर। रीडिंग कितना आता है, रीडिंग रीडिंग एक या दो आएगा बस, आपस में बीप करोगे तो बीप सर रीडिंग आएगी, पर रीडिंग अलग अलग रेजिस्टेंस होगी वो अलग अलग सेक्शन में आएगी अलग अलग, ठीक है एक ही नहीं आएगा, ठीक हाँ अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आएगी। राउंड बी कर रहा पहले का राउंड से बीट नहीं करना चाहिए, और बीप ना करे तो खराब है, आपस में बीप ना करे ठीक है तो खराब है, और आप इसको क्या कर सकते हो बना भी सकते हो, अगर आपको फ्यूज नहीं मिल रहा है मोबाइल में सबको पता है क्या कर सकते हैं, क्यों क्या कर सकते हो देखो समझ लो यहां पे, जैसे आप मान लो किसी मोबाइल का फ्यूज खराब है चाहे वो सफेद वाला हो ठीक है ओके, अगर आधा चाहे वो आधा काला वाला हो ठीक है, उसको फेल अपली लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है, पूरा सब पूरा सफेद हो ठीक है, तो उसको पहले सोचो फेल अपनी लगा के गोरा हो जाए यदि, तो आप क्या कर सकते हो जैसे मान लो कोई भी फ्यूज लगा है खराब हो गया सफेद वाला चाहे ब्लैक वाला, अब हमने ये क्यों कहा क्योंकि क्वाइल की भी टेस्टिंग यही होती है ठीक है, क्वाइल की भी टेस्टिंग यही होती है, तो फिर सफेद रहे और चाहे वो काला रहे चाहे आधा काला रहे ठीक है, टेस्टिंग गोरे हो गई अगर बीप नहीं करे तो फिर हमको बदल उसको जो है चेंज करना है या फिर जम्पर लगाना, तो ये मान लो फ्यूज है और इस पे हमने जब टेस्टिंग की तो क्या हो रहा है ये बीप नहीं कर रहा है क्लियर, ठीक बीप नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो इसको निकाल सकते हो, कहाँ निकाल दो इसको हटा दो रिमूव कर दो बाहर कर दो, और वो भी दिक्कत अगर नहीं आ रही है तुमको निकालने में तो क्या करो एक तार इस तरह से जोड़ दो जंपर वायर ठीक है, नहीं तो ये निकाल के आप तक जंपर लगा सकते हो ऐसे करके आप बना सकते ठीक है, चाहे वो सफेद वाला कोई भी फ्यूज होने वाला
अब तो फिर दूसरे पीसीबी से निकाल के आप लगा दो, दूसरे पीसीबी से आप जो है निकाल के लगा सकते हैं। और इस मिलते हैं मार्केट में, मिल जाते हैं ना, ये मोबाइल वाले नहीं मिलते यार, क्या करो मिलने के, हमसे ले जाना तुम कुछ ना मिले, ठीक है 10 रुपए पीस दे तुमको, इस वाले में आप जो मिलता है ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि जो मोबाइल में जो फ्यूज लगे होते हैं वो कितने एम्पियर के होते हैं, कितने एम्पियर के होते हैं, ऑनलाइन में है कोई बताओ, बताओ तुम तो पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, ये नहीं बताया गया, बहुत चीजें हैं यार, हर चीजें अलग अलग तो अपना अपना है पढ़ाने का, कितने एम्पियर के होते हैं तो लिख लीजिए, 2 से लेके 5 एम्पियर तक होते हैं। चार्जर कभी ज्यादा भी मुड़ आ जाते हैं भाई, सबकी काम करता है, 2 से लेके 5 तक, पहले आता था 1/2 आधे एम्पियर का आता, हाँ फ्यूज का पहले आता था 1/2 एम्पियर का, तो पहले तुम्हारा चार्जर का तो कम होते थे तो बहुत टाइम लगता था चार्जिंग में, ठीक है, अब क्या रहा है 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो चार्जर आ गए तो फास्ट चार्जिंग होने लगी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे मोबाइल से निकाल के लगा सकते हो, और नहीं अगर है तो भैया आप फिर जम्पर लगा सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा जो सिक्योरिटी लेके चलोगे जनरल जी, ठीक है, तो काम कर पाओगे, ज्यादा सिक्योरिटी अगर लेके चलोगे, हमें उस टाइम पे मोबाइल को सही करना है, हमारी सिक्योरिटी हम कोई डिजाइनर नहीं है, नहीं भैया इसमें कोई दाग लग जाएगा, ठीक है भैया ये कैसे हो गया, फिर इंजीनियर इसको रिजेक्ट कर देगा, नंबर नहीं आएंगे, वो नहीं काम करना, हमारा मेन मकसद है कि मोबाइल को चालू करना, तो एक चीज अब जम्पर लगाओगे तो टाइम लगेगा, अब भाई जब हाथ सेट हो जाएंगे तो आईसीएन निकालना लगाना, आप जब काम करोगे 1 सेकंड लगता है निकाल के लगा देंगे, काले वाले जगह सफेद लगा दो, सफेद वाले काले, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या होगा कि जो बंदा होगा मोबाइल संभालने आएगा उसको भी लगेगा भैया कुछ तो भाई मोबाइल में डालना है, ठीक है कुछ तो डालना है, कैसे भाई निकाल लिया है आई बात सुन, तो उसको भी लगेगा कुछ भैया मोबाइल के अंदर उन्होंने डालना है, ऐसे भी नहीं देंगे, और अक्सर लोग क्या करते हैं जैसे कैपेसिटर जो होते हैं वो तोड़ देते हैं, वो तोड़ फेंक देते हैं, तो पहले हमने भी ऐसे किया है, करते हैं तोड़ देते हैं धड़ाधड़ मतलब उखाड़ देते हैं, तो ऐसे मेरे पास मोबाइल है 2010 की बात है, तो हम रिपेयरिंग कर रहे थे, अंकल जी थे और एक आंटी जी थी, तो ले आई मोबाइल तो वही सब देखते सबने मुझे तोड़ दिया, सामने मोबाइल चालू हो गया, ठीक है, हमने कहा 70 रुपये 4 रुपये तो भी देख देखे जाओ, बोले हम गेहूँ बेच के आए हैं, ठीक है गेहूँ बेच के आए और ना पीटे तो हमने कुछ नहीं, बहुत निकाल रहा हूँ लोग तुमने ना पीटे तो हमने बहुत सामान और निकाल लो मोबाइल को, तो ये सब चीजें होती है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कोई कस्टमर आपके पास समझदार ही है, मतलब कि कम पढ़ा लिखा आ जाए, ठीक है कम पढ़ा लिखा जाए तो वो नहीं बची चीजें समझ पाएगा कि तुमने उसको ये लगे कि हमारे मोबाइल तुमने निकाल लिया है, भले तुमने कुछ ना निकाला हो, ऐसे भी आते हैं ना, बताइए बहुत आते हैं, और तमाम तो कहते भाई इसको निकाल लिया, वो तो उस बात जायज है, ठीक वो तो जायज है, क्योंकि मतलब कि अगर 100 दुकानदार है तो उसमें से 5 दुकानदार ऐसे होंगे जो पेज पूरे लगा के देते हैं, ठीक है सही तब तो लगा दिया, ठीक है अगर वो खराब नहीं बना तो पेज जरूर निकाल लेंगे उसके, होता है नहीं होता बताओ, ऐसे हाँ ऐसे दे देते क्यों दे देते हो भाई, उसका एक तुमने बना नहीं पाया, ठीक उसके उसने पेज ऑर्डर नहीं लिया, देखो ये है ये बात ही, उसका मोबाइल गया मेरे को मजा नहीं आया, मेहनत की तो अगर मेहनत सकते तुमने साइंस में क्या कहता है कि कार क्या क्या कहते हैं, कार तुमने पूरा किया 0 हो गए कैसा क्या है मैटर,
पता नहीं किसी को साइंस बताइए मैडम क्या होती है। अरे कक्षा 8-9 में पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ बताइए क्या होता है मतलब जो वेग और मतलब विस्थापन होता है। ये बात कर रहे आप जो पेज वगैरह जो है लगाते रहिएगा ठीक है। मेहनत की अगर आप पैसा आपको तैयारी क्या मतलब नहीं दे रहा तो तुमको मोबाइल रख लोगे। ये सब चीजें गलत है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता धीरे धीरे करके ठीक है। अरे 20 रुपए 50 रुपए फेंक आते अलग से ले लो 8-10 रुपए का आता है वही पता है 10-20 रुपए का आता है लगा दो इसके ना लगे उस पर उसको भी बताओ भैया तुम लगे नहीं थे जहाँ से आप आए उसे निकाल नहीं था लगाए दे रहे हैं क्या देखते हैं। छोटी छोटी चीजें जो इम्पैक्ट करने लगती है तो फ्यूज तुम्हारा हो गया क्लोज। किसी कुछ पूछना हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन दोनों लोगों में किसी कुछ पूछा हो फीस फ्यूज के बारे में पहचानने में बड़ी दिक्कत पहचानने में बताया था एक तो जीरो लिखा होगा जी, हमें एक सही लग रहे हैं ये 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 हाँ वो काले वाले एक तो नहीं है वो सफेद नहीं है ठीक है। ध्यान ध्यान से देखो उन्हें फेल अभी नहीं लगाएंगे ठीक है। व्हाइट वाला व्हाइट भैया चमकेगा व्हाइट और व्हाइट दोनों की एक ही होती है दोनों की तो आप क्या क्यों तो क्या क्वाइल है मल्टीमीटर में सर्किट में देख लो वहां पर लिखा है ठीक है। और अगर चेक करना तो एम्पियर की रीडिंग है हाँ 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 जी जी नहीं नहीं ब्लैक के ऊपर करोगे रेड वाले ऑनलाइन में कुछ पूछना है फ्यूज के बारे में समझ में आ गया। जब वोल्टेज रहेगा तभी तो रहेगा यार एम्पियर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। सफेद होगा ठीक है एक जो है काला होगा जो जीरो वाला एक आधा काला आधा सफेद होगा ठीक है और एक जो नोकिया होगा चार सेक्शन में डार्क ब्राउन होगा बस चार तरीके का आपको जो है देखने को मिलेंगे। और पीपी वगैरह में ऐसे तुमको मिलेंगे मशीन वगैरह में तो कभी मशीन वगैरह आपकी ये कभी खराब भी हो जाए तो आप एक बार फ्यूज तब भी चेक कर लो ठीक है। घर में भी अगर बोर्ड वोर्ड खराब हो जाए तो फ्यूज आप चेक कर सकते हो आसान हो गया पूरा। किसी कुछ डाउट हो तो बताए फिर तो मांगे कंपोनेंट पढ़ाए हैं एम्पियर लिखा है अनिल आ रहा समझ में नहीं क्वाइल पे लिखिए क्वाइल को एल से प्रदर्शित करते हैं जैसे एल क्वाइल को एल से L
किससे करेंगे एल। और लैपटॉप का कोई है नहीं यहाँ पे, लैपटॉप में लैपटॉप बना हमारा कोर्स। और लैपटॉप में क्या होगा, इसके आगे टी लिखा हो सकता है, लैपटॉप वाले यानी टी एल लिखा हो सकता है। टी एल का मतलब होता है पावर क्वाइल, यानी कि इस क्वाइल पे पावर आता है लैपटॉप में, ये क्वाइल जो लगे होते हैं मदरबोर्ड में, तो टी एल लिखा होता है। ठीक है, पी एल का मतलब पावर क्वाइल, यानी कि उस पे सिग्नल या डेटा नहीं आता उस क्वाइल पे, उस क्वाइल पे पावर आता है। ठीक, पी एल का मतलब ये होगा। और मोबाइल में तो आपको लिखा ही नहीं होगा मदरबोर्ड में, इसकी सर्किट में लिखा होगा जाके। और लैपटॉप में क्या होता है, मदरबोर्ड में कोडिंग दी गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। पी एल और पी एल में सर्किट सिंबल, इसका सर्किट में सिंबल कहता हूं। और ये इसकी कहलाती है कोर, कहलाती है कोर। ये तुम्हारा इस तरीके से होगा। एक बार कैमरा मैडम जूम कर दीजिए, फिर वैसा कर दीजिए, ऑनलाइन वाले भी देख ले चीज को। यहाँ कहने किस के बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, बस ये सर्किट सिंबल। अब देखो बेसिक सी एक छोटी सी चीज, अब तो आपको दिखाते मैडम, एक वायर लेके आए, एक वायर लेके, कोई भी कॉपर का है कटर से काट लीजिए, असेंबली वगैरह से काट। ये वायर है, सबको दिख रहा है। और फ्यूज में क्या होता था, छोटा वायर होता था, पतला होता था। अभी ये वायर है, ये वायर है, अगर इसी वायर को अगर हम लोग राउंड राउंड करते हैं, यानी कि ये लिया तुम्हारा और इसको बोलेंगे, और इसी पर हम इसको राउंड राउंड कर देंगे, ये तुम्हारी बन गई जाके वायर। ठीक है, इसके अंदर क्या वायर ही तो है, इसकी वायर ये तुम्हारी बन गई वायर। अभी वर्तमान में यही है क्वायर, क्योंकि का छोटा सा तो तभी टेस्टिंग दोनों की एक ही, उसके अंदर भी वायर है, इसके अंदर भी वायर, एक ही वायर है। अब फर्क क्या है देख लीजिए। पहले अगर हम इस वायर को क्योंकि इसका नाम तुम्हारा भूल जाते हैं नरेंद्र, बैटरी तो तुम कम जानते ही, बैटरी बैटरा 12 वोल्ट का कैसे होगा। अगर हम उसमें जाए और एक बार ये ऐसे टच कराए प्लस सिरे पे और एक बार टच कराए माइनस सिरे पे, तो क्या होगा, ये हीट हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। एक ही बार है ना, प्लस माइनस दोनों एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब समझना तुम, पहले इसी में अगर हमने इसको राउंड राउंड कर दिया, राउंड राउंड कर दिया, ये तो थोड़ा है और ज्यादा, और फिर हमने जाके इस पे क्या किया, एक प्लस पे लगाया एक माइनस पे लगाया, अब क्या होगा, अभी भी जल जाएगा, अब ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ये। ठीक है, पैकेट का है, यही तो चीज है क्वाइल, यही तो क्वाइल है। ठीक है, सिस्टम है, अब ये नहीं जलेगा। अब ये क्या करेगा, जो जो पहले जो शॉर्टिंग पे जा रहा था हीटिंग पे, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा, कि अगल बगल इसके तुम अगर लोहा लेके आओगे तो चिपक जाएगा।
ये क्या काम करेगा? मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। इसीलिए कॉयल का जो काम होता है तो क्या काम होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, पैदा करना, उत्सर्जित करना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट यानी कि पैदा करना, उत्सर्जित करना, या तभी लिखना चाहो ऐसे लिख दो, चुंबक की तरह कार्य करने लगती है कॉइल। आगे बात समझ में? एक वायर को लगाओगे तो वो शॉर्ट कर देगा, ठीक है, और वहीं अगर कॉइल को लगा दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। ऑनलाइन में प्रशांत सौरभ समझ में आया? हाँ सर, आ रहा है समझ में। राकेश सरकार जी बताइए। अरे बोलते रहो भाई, मेरे पता तो चलता रहे कि आप लोग हो, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना। चुंबक की तरह काम करने लगता है, क्लियर है ना इतना आकाश तुमको? ठीक है, और क्या काम करती है ये? अभी वो भी और भी कई सारे काम है, ठीक है। तो अगर ये चुंबक की तरह काम करती है, दूसरा काम क्या करती है ये? पहला काम हो गया चुंबक की तरह काम कर, दूसरा हो गया जैसे सिग्नल को फिल्टर करना, सिग्नल को फिल्टर करना। अगर नेटवर्क सेक्शन में लगी ये कॉइल तो ये फिल्टर भी करेगी, ठीक है। तीसरा काम इसका है विद्युत धारा में, वोल्टेज में होने वाले फ्लक्चुएशन जो होते हैं ना, क्या होते हैं फ्लक्चुएशन, कम ज्यादा जो होता है लाइट, उसका ये विरोध करती है। विद्युत धारा में क्या मैडम? हाँ, विद्युत धारा के मार्ग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना, यानी कि फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, यही भी काम करती है। और एक काम और है, ठीक है, वो भी काम लिख लीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिए अगर एक काम और है। ये क्वाइल जो होती है ये दो टाइप की होती है, लिख लीजिए यहाँ पे, क्वाइल दो प्रकार की होती है, होती तो तीन प्रकार की है लेकिन दो प्रकार लिखिए आप यहाँ पे, तीन वाली अब नहीं मिलेगी, दो प्रकार की, एक एसएमडी नॉर्मल एसएमडी क्वाइल और दूसरी बूस्ट क्वाइल। बूस्ट क्वाइल, बूस्ट क्वाइल का क्या काम होता है? एक कपलर और होती है, कपलर को मालूम लगे आती थी पहले हम लोग वगैरह में, अभी भी लगी है वो, नए सेट पे नहीं आ रही है। कपलर का मतलब दो पहले तक जुड़ी होती है। बताओ बूस्ट कॉल का क्या काम होता है? वोल्टेज ज्यादा करता है, अगर ये डेटा से डेटा में लगी होगी तो डेटा को बढ़ा देगी, ठीक है, वोल्टेज सेक्शन में लगी तो वोल्टेज को बढ़ा देगी, किस कंडीशन पे? सिग्नल लगी तो सिग्नल को भी जो है बढ़ा देगी, लेकिन एक कंडीशन क्या होती है, अगर वोल्टेज में लगी तो एम्पियर नहीं देगी, विदाउट एम्पियर का करेंट जनरेट करेगी, वहां पे एम्पियर नहीं होगा, ठीक है, एम्पियर नहीं होता है, वोल्टेज तो बढ़ा देगी बट एम्पियर नहीं होता। जैसे लैंड सेक्शन जो मोबाइल का होता है वहां पर बूस्ट कॉइल लगी होती है, वो यही तुम्हारे क्या नाम करके तो 5 वोल्ट जो तुम्हारा बैटरी 3 वोल्ट मिलता है, और जो जो डिस्प्ले पे जो लाइट जलती है ये 20 से लेकर 25 वोल्ट ऐसे जनरेट करती है, कॉइल को जो है कॉइल को वोल्टेज को बढ़ा देती है, लेकिन वहां पे विदाउट एम्पियर का करंट रहता है, एम्पियर निकाल लिया।
लिख लीजिए बूस्ट कॉइल के अंदर। असेंबली कॉइल में ये असेंबली ये भी होती है, असेंबली ये भी होती है। वोल्टेज बढ़ता है, क्या होता है? समझ में आया, बूस्ट कॉइल का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाएगी जो है, और इसके बाद एम्पियर नहीं रहेगा। अगर सिग्नल सेक्शन में लगी है, कई सारी कॉइलें लगी होंगी एंड्रॉइड सेक्शन में, हमने देखा होगा, तो डेटा में लगी तो डेटा को बढ़ाएगी, ठीक है, और सिग्नल में लगी है तो सिग्नल को एम्पलीफाई यानी कि बढ़ा देगी। समझ आया ये काम कहां तक? वर्ग आपको वर्ग तो पता चल गया, ठीक है। अब ये वर्किंग पे आते हैं, वर्किंग कैसे होती है। एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गई तो कॉइल का काम सकल जिंदगी भर के, अगर आपके पास कोई भी कॉइल लगी हो, कैसी भी लगी हो, कहीं भी लगी हो, वर्किंग समझ लीजिए। पहले हम आपको समझा देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया वो जो चुंबक की तरह काम करने की, बैरिंग तो सभी ने देखा होगा, गोल जानते हो बैरिंग, बैरिंग कहाँ पे होता है, मोटर में लगता है, तो आए जो साइकिल का पहिया होता है उसके उसमें लगी, तभी तो घूमता पहिया, ठीक है, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है, कार के पहियों में लगा जो क्या पे उसका ऐसा होता है, जितनी देखा तो हम यहाँ पे बताया था, होता है सब में कई जगह होता है, ये होता है जोए की वाट, और इसी में एक और होता है गोल गोल, और इसी में क्या पड़े होते हैं ग्रीस और छर्रे पड़े होते हैं, ऐसे ही तो होता है यार, सभी लोगों ने देखा है, अभी नहीं देखा, ऐसे ही होता है ना, गोल होता है और पीछे से ये, और इसमें छर्रे पड़े होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम क्या करें, यही तार जो कॉपर का तार है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक तार लिया, एक ही तार है, और इसके चारों तरफ एक हमने प्लास्टिक का आवरण बना दिया, ना पहले, ठीक है, इसमें कट हमने बना दिए कई तरीके से ताकि दिक्कत ना हो, और हमने उसी तार को ऐसे ऐसे राउंड राउंड चारों तरफ लपेट दिया, तार कहे हैं एक किस है? एक ही तार है ना, ठीक है, इस पे हमने सप्लाई दे दी एसी, ठीक, या अगर तुम डीसी देना चाहो तो डीसी भी सप्लाई दे सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आगे की नहीं आएगी आगे, अब अगर आपने बीच में एक रॉड डाल दी, लोहे की रॉड डाल दी, तो क्या होगा, ये जो इसका पॉइंट है ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला जो पॉइंट हिस्सा है ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, तो अपनी अपनी तरफ जो है इसको खींचने लगेंगे, सब खींचेगा अपनी अपनी, यहाँ जाए ये पॉइंट बन, जब ये खींचेंगे तो क्या होगा भाई, ये पहला यहां से लगा लगा तो ये बाहर तो आ नहीं सकता, तो ये जो रॉड है वो यहीं पे ऐसे घूमने लगेगी, तो हम लोग उसमें पंखुड़ियां लगा देते हैं तो पंखा तुम्हारा बन जाता है, ठीक है, पंखे के अंदर ये प्रोसेस चलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से आज जो है मजा लेते गर्मियों में, तो वो पंखा वाले लगते हैं बंद हो गया चलता नहीं चलता, गांव में अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको, और सिटी में भी होते हैं जब लाइट चली जाती है 3-4 दिन के लिए, तो बनाए जाते हैं कागज के टुकड़ों के, नहीं बनते, तो ये है तुम्हारी पूरी की पूरी जो है वर्किंग है, एंड इस तरीके से कॉइल काम करता, तो मतलब की क्षेत्र के कारण पंखे में बनते हैं, ठीक है, डीसी वाली मोटर आती है, एक ही बार तो होता है, एक ही बार ही देते हैं।
ठीक, ये समझ में आई वर्किंग, किसको समझ में नहीं आई? आए आगे क्या आगे क्वाइल कैसे काम करती है क्वाइल? चलिए अब दूसरा वर्क हमने जो बताया था कि एक क्या बताया था मैंने, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध करना, मतलब कि मार्ग नहीं परिवर्तन का जो है वो विरोध करती है। ठीक कैसे? यानी कि फ्लक्चुएशन में फ्लक्चुएशन जो कम ज्यादा होता है वो नहीं, उसका विरोध करती है कम ज्यादा होने के लिए, तो उसको समझा देते हैं। फ्लक्चुएशन में क्या है, ये एक वायर है, समझना पहले। हमने यहाँ पे 10 वोल्ट दिया, यहाँ पे कितना मिलेगा? 10 वोल्ट, सीधी सी बात है, डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा उसका, क्योंकि वोल्टेज है। लेकिन थोड़ा ध्यान समझिए, इसी वायर को अगर हमने राउंड राउंड कर दिया और उसे तार है, हमने यहाँ पे 11 वोल्ट दिया, यहाँ पे 11 मिलेगा, 12 वोल्ट दिया 12 वोल्ट मिलेगा, 10.5 दिया तो 10.5 वोल्ट मिलेगा। ये कम ज्यादा यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर एक वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देंगे इधर से एक ना एक वोल्टेज जैसे 12 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन है 10 से 10.5 11 वोल्ट, इधर जो है 10 वोल्ट ही मिलेगा, ये भी काम होता है। तार में ऐसा होता था, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इधर कम ज्यादा हो रहा है, तार इधर कम ज्यादा होगा वोल्टेज, कभी 11 कभी 9 कभी 8 कभी 10, ठीक है, 10.5 इधर जो मिलेगा वो एक जो फिक्स जो है मिलेगा। कैसे अभी समझा देते, समझाया नहीं आया अभी, नहीं आया नहीं समझ में आया ना, समझ में आप आ जाएगा। पाइप देख लो, पाइप नहीं देखो, अरे किसी का भी पाइप देखो, पाइप देखो नहीं देखो, तो ग्लूकोज वाली बोतल तो देखी होगी, खेल छोटे होते छोटे तो खेलते थे हम, बोतल चला रहे हैं ना, सब लोग खेले, कोई ऐसा है नहीं खेला है, ग्लूकोज वाली बोतल अभी भी चलती है लोगों को, तो उसमें पानी भरते थे और उसको रहते थे, तो समझ लीजिए एक पाइप है, नली पाइप कुछ भी समझ लीजिए, अभी भी घरों में होती है नल का पानी भरने के लिए, ठीक। ये नली है और ऐसी इधर से भी और इधर से भी, अब हमने इसमें पानी यहाँ से डाला, कितना डाला, अब ये क्या यहाँ पे एक पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ज्यादा अगर हमने दिया इसको निकल जाएगा है, फुल तो के नहीं जाएगा ना, तो जाएगा तो पानी हम इतना डाल रहे हैं यहाँ पे तो फुल होके जाएगा, निकलेगा नहीं, सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन अब दिमाग लगाओ इसी को अगर हम फोल्ड कर दें, एक दो राउंड हम आपको बना के दिखाई देंगे, अब समझना पड़ेगा यहाँ से हमने डाला पानी, कम डाला हमने यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया यहाँ पे, आगे यहाँ तक आ गया, मतलब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब तक ये पूरा यहाँ थोड़ा बढ़ाएगा, जब ये पूरा यहाँ से जब ये पाइप पूरा भर जाएगा तभी वो आगे जाएगा, आगे जाएगा और फिर वही नोटन किसकी यहाँ पे, ठीक नाच गाना चालू यहीं पे भरने लगेगा, जब तक ये फुल नहीं हो जाएगा, ठीक, तब तक ये आगे इसको नहीं भेजेगा, अभी बस समझ आई, समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है वो उसका विरोध करता है, ठीक, ये काम हो गया। अब कौन सा काम बताएं, अब मैग्नेटिक फील्ड का हम और एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा आप लोगों के और अच्छे तरीके से। क्वाइल ट्रांसफार्मर देखे हैं सब लोगों, हर गली मोहल्ले में रखे हुए होते हैं, लाइट वहीं पे, कभी सोचा है कि जो ट्रांसफार्मर के पहले लाइन पे कितना वोल्टेज आता है, ट्रांसफार्मर की जो पहले वाली लाइन होती है कितना आता है, तो आया है लाइट, लाइट एक बिजली है, है? बिजली है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, है? क्या एक ही का तीन, अरे समझदार हो, ऑनलाइन वाले समझ में आया, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। प्रशांत सर्वे जी आ रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं पूरा आ जाएगा। थोड़ा कैम कैमरा बढ़ा दीजिए, जूम कर दीजिए, तो लोगों को समझ में आएगा।
तो 11,000 वोल्टेज जो आता है तो पर घर में कितना आता है? 400 जाता है। हाँ कभी कभी 400 भी आ जाता है, ऐसे नहीं है लोगों के घर में 11 का पूरा आ जाता है, फाल्ट होता है। और नहीं क्या टीवी में नहीं क्या फूके हटवाए कारण फॉल्ट टीवी वगैरह उड़ जाते हैं। जब हाई वोल्टेज आता है जो चीज 240 वोल्ट ही होता है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, जब हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज तो खराब होते ही, चलो मान लो ठीक है, जो चीज चल रही 240 वोल्टेज से और वो चीज अगर आ जाए 1000 वोल्टेज ठीक है, तो वो क्यों फूक जाती है? जी बिल्कुल सही, ठीक है, कवर कवर कर लेती, कैसे कवर कर लेती थोड़ा समझ लीजिए इस चीज। चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक क्वाइल हमने ली ये ऐसे करके और एक क्वाइल हमने दोनों में क्या अंतर दिख रहा है कॉइल में, दोनों कॉइल में क्या अंतर दिख रहा है? इसमें राउंड कम है ना वायर के, ठीक है। अगर अब यहां पे 11,000 वोल्टेज आता है हो गए ना, बिल्कुल क्या हो गए, गलत नहीं आती है, हो गए ना, हो गए कि नहीं? 11,000 ही आता है और किधर कितना निकलता है? 240 वोल्ट। कैसे कैसे हाँ ट्रांस, ये पूरा ट्रांसफार्मर का है, सर्किट सिंपल यही है, ऐसे कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर का ही सिंबल है ये, सर्किट सिंबल और यही प्रोसेसिंग भी वही है ट्रांसफार्मर में। नहीं तो यहाँ मैग्नेटिक है, बाहर रहे तो यहाँ से 11,000 से 240 कैसे रह जाता भाई? अरे सर वो फ्यूज लगाते हैं यहाँ, कहाँ फ्यूज लग जाएगा, तार ही लगाते हैं थोड़ा, तो वो मतलब उससे तो होती है, हमें बताओ 11 को कैसे कम कर लें, पाइल ग्राउंड का मैं वो तो बात सही है, चलो पाइल ग्राउंड का ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो सुनो पहले, अब ये क्या 11,240 है, यहाँ पे हमारे राउंड का, यहाँ पे ज्यादा लोग है एक्सपेक्ट समझ लीजिए, यहाँ पे कम लोग, ये सामान ढो के लाए 11,000 कितना, ठीक है आपको दे दिया, लेकिन तुम दो ही लोग हो इतना लेके ले जा पाओगे, ठीक है समझ जाएंगे उसका का मतलब, समझिए इसका कि जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे, इस वाली क्वाइल को हम क्या करते जाएंगे, दूर करते चले जाएंगे, इतनी दूर कर दिया और वोल्टेज कम होता चला जाएगा, और जितने जितने हम इसके पास करते चले जाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा पास कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी, ठीक है, तो क्या होगा वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर वो टच कर दोगे तो पूरा 11,000 पहुंच जाएगा, ठीक, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके दूरी होते हैं, दूर इतना पास करते जाओगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा और इतना दूर करते जाओगे वोल्टेज, चुंबक देखो तुम खूब चिपकाए होगे, खूब है एक पत्ता लेके नीचे के ऊपर चुंबक, ऊपर लोहा है घुमाए अपने आप घूम रहा है, किए हो सब लोग करते हैं, क्यों नहीं होता बता किए हो, छोटे किए हो अभी बच्चे करते हैं, बच्चों को देखने जाके तो अगर उसको रखो कुछ दूर ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना वोल्टेज है 11,000, किसके माइक आ रही है, संजीव माइक बंद करो यार, तो खींच लेते हैं अगर, और तुमने इसे बड़े बड़े जो मेगावाट के लाइनें हैं वहां पे लिखा होता है डेंजर, वहां क्या कहते हैं, इसके ऊपर जाएगा वो खींच लेगा, हाई टेंशन लाइट जिसे कहते हो, वो क्यों खींच लेता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यार, बोल कह नहीं रहे हो तो आप उसे निकलवाना चाह रहे, तुम्हें नहीं बोल रहे हो,
हम दोनों सीखने आए, काम तुम्हें करना, समझ चीजें जितनी समझ में आ जाएंगी जिंदगी भर काम आएंगी। तो या तो नाम मात्र का सीखना है, काम चलाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर चीज के अंदर काम, इलेक्ट्रॉनिक्स कर फील्ड में जुड़े हो तो क्वाइल को समझो, तो हर जगह लगी है यार, ठीक है, हर जगह लगेंगे तो आप कम से कम काम तो कर सकते हो, भविष्य में अपने आप को अपग्रेड तो कर सकते हो, ठीक है भाई। मोबाइल में नहीं मतलब और छोटे होते जा रहे हो, और छोटे होते जा रहे कंपोनेंट, कैसे काम करोगे, कोई नई चीजें और आ गई अपडेट, तब कैसे काम करोगे, फिर सीखने आओगे हमारे यहाँ क्या, पैसे फिर भी लेंगे, ठीक है, ऐसा है नहीं, फिर नहीं लेते हैं हमारे लोग सीख रहे हैं ऑनलाइन। तो पहले जब शुरू शुरू में भैया टीवी बहुत चली है, टीवी आती थी महाभारत है, और क्या चलता था, अलग लैला कौन देखे, देखे हो आप लोग, देखे हो शक्तिमान है, शक्तिमान देखे होंगे, ठीक है, आर्यमान शक्तिमान आप देखते थे, टीवी चलता था, तो कैसी टीवी होती थी, वाइट होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती, तो टीवी में काम था मार्केट में, लोग मोबाइल नहीं था लोगों के पास, टीवी से चलते थे काम करते थे, फिर कुछ दिन बाद क्या कलर टीवी आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अपडेट हो, फिर सी डी आई जबरदस्त तरीके से मार्केट में आई, पहले जाता था वीसीआर वीडियो, फिर काम खत्म हो गया, फिर तुम्हारी सी डी खुद चली, फिर डीवीडी आई, अब तक मोबाइल भी तुम्हारा अपडेट हो रहा था, फिर तुम्हारे का नाम करके मोबाइल आ गए। तो ये बताओ आज की डेट में कलर टीवी कौन सुधरा में जाता है, या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेके कुछ देखा किसी टीवी दुकान पे, नहीं खत्म हो गए वो फैक्ट्री जो बनाते थे रेडियो वगैरह, वो आज वो रेडियो बना रहे हैं 250 बनाया मिल जाता है, ठीक है, तो कितने रुपए का ना बिगड़ गया तो कितने रुपए तुमको मिल जाएंगे बताओ। तो अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा भाई, जब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, पहले के लोग क्या कहते थे, अरे यार ससुर को फोन नहीं उठाया ऐसे करके, गाँव वाले तुम्हें पता नहीं क्या होते, सच वाला उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अभी क्या धीरे धीरे करके कम होते चले गया, एक ना एक दिन उनको टच पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कीपैड वाले मिल नहीं पाते हो जाएंगे, 10 कलर देख लिए 10 कलर कीपैड फोन बहुत मुश्किल है, जो अभी भी आप परसेंटेज देख रहे हो तो कीपैड वाले मोबाइल कितनी मार्केट में ज्यादा 20% 80% आदमी बस एंड्रॉइड मोबाइल है, हाँ बन चुके दिख रहे नोकिया वाले, मान लो जिसने पहले मोबाइल फिर देखी थी नोकिया 31 10 पे, वो आज घर में मोबाइल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो वाले मिस्त्री आज तक वही माइक स्पीकर रिंग रहे बदल रहे हैं आज तक, ठीक है, एक अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, और यू कर लेते मोबाइल लो दूसरे कम दे लो ऐसे बनवा लो, और नहीं तो भूखे दौड़ते खोल तक नहीं पाते हुए, खुलने के तरीके चेंज हो गए, पहले आप स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते थे, ठीक है, नोकिया वालों ने ऐसे मोबाइल निकाले कि बिना स्क्रू ड्राइवर के खुलने लगे, ठीक है, आज के मोबाइल ऐसे कि आपको भी पता है कुछ मोबाइल स्क्रू ड्राइवर से खुलते हैं, कुछ मोबाइल ऐसे हैं कि जो है मशीन से खुलते हैं, हीट करके खोलना पड़ता है, देखने में लगता है 10,000, ठीक है, और मोबाइल कितने का था 20,000 का, ठीक है, मान लो नहीं सीखे एक भुगत दिया, बेस्ती हुई, गाली गाली मिली, ठीक है, और चले गए 20,000 है, उसे चुका तो सीख लेते अपडेट हो जाते पूछ लेते, चीजें ये है कि अगर अपने आपके अपडेट करने हैं तो अपडेट कैसे करने हैं, चीजें जब आपको बेस मजबूत है यार, अब मान लो ये बिल्डिंग पर मान लो 5-10-50 खंड खड़े करने हैं तो नीचे देखो पहले कि भाव खड़े कर दे, पता चले हवा आई गर्द हो जाएगी, ठीक है, तो पहले आपको तो बेसिक मजबूत है, फिर ऐसा तुम 10 खंड 5 खंड 20 खंड बना सकते, तो ये भाई बेसिक है, क्या है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जब यह मजबूत हो जाए ना भविष्य में यार मोबाइल और मतलब और चीजें आ जाए क्या दिक्कत है, काम तो कम से कम कर सकते, तुम्हें बेसिक तो नहीं सोच सकने पड़े, आप LCD टीवी से वगैरह तुम सीखने जाओगे चीजें, कुछ और भी चीजें आती रहती है भाई मार्केट में, अब क्या करोगे आप कहाँ तक देखोगे, जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा घर पे बढ़ जाएगा, और फिर उस कंडीशन पे घर पे बढ़ना ऐसी प्रॉब्लम, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कोई और भी डाटा एक्सल सुन सकते, मान लो 20 साल तुमने इस फील्ड में काम किया, दूसरा काम आपके मार्केट आप नहीं कर पाए, नहीं कर पाओगे तुम, पर तुम कहेंगे चलो आप फैक्ट्री में काम करोगे, करोगे फैक्ट्री में नहीं तो काम करोगे, फिर 40 साल के बाद जब काम कम हो जाएगा तो अर्निंग कहाँ से, तो पढ़े लिखे होते तो IAS पीछे बनते, तो
ये एक चीज है कि अपने आप को अपडेट करते रहना धीरे धीरे करते यार कमा रहे तो उसमें से कुछ चीजें हम नहीं कर हम ही को दबा के भाई ठीक ही मत सोचना कहीं भी मतलब कि अपडेट करते धीरे धीरे करते भाई हजार कमा रहे हो मतलब साल भर तुमने कमाया सीख के गए यहाँ से ये चीजें आ रही है फिर तुमने 1,500 रुपए अपना 2,000-5,000 खर्च कर लिया नई चीजें सीख गए तो उससे कमाओगे भी यार आदमी ये नहीं सोचता कि बताए 5,000 लग रहे हैं यार हम सीखे हैं हम तो सीखे हैं ठीक है और मोबाइल वाले मिस्त्री पता है अपने आप को बड़ा तुरंत खा समझते हैं कौन वाले जो किसी दुकान पे 10-15 दिन या महीने 2-4 महीने बैठ लिए तो वो समझते हैं आप तो हम बड़े इंजीनियर हैं ठीक है अब कुछ नहीं आता उन्हें बिल्कुल नहीं तो पूछ लेना जाके कॉइल का क्या काम होता है किसी भी इंजीनियर से पूछ लेना जाके कॉइल वाले मैकेनिक से नहीं बताएगा तुम्हें पता पाएगा क्या काम कॉइल बस वो बस बीप कर टी टी बस बजाना उसको आता है टी टी कर दिया हाँ सही है बस अपडेट जो है जरूरी है अपडेट होते रहोगे तो कमाते रहोगे वो कहावत है ना कि जब तक लर्निंग है तब तक अर्निंग तो हम कह रहे थे कि हम भी कोर्स परचेज करते हैं नई चीजें पढ़ते हैं नई नई चीजें जानते हैं ठीक है हम भी अपडेट रहते हैं तभी तो ज्ञान दे पाते क्या हम उसको डायरेक्ट भगवान ही देते हैं बुरा बच जाओ सीधा दिमाग में तो अपडेट होना पड़ता है हम भी पैसे खर्च करते हैं हम किसी और लेवल पर खर्च करते हैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा हम लोग एक एक घंटे का प्रोग्रामिंग का 10,000 रुपए हमसे लग जाए एक एक घंटे की क्लास के लिए 10,000 रुपए देने पड़े लेकिन वो क्यों देते हैं कि अभी पापा जब तुमको सिखाएंगे पर कैसे ये अपडेट है अब वो कोई इंस्टीट्यूट वाले हैं नहीं कि चलो भाई 10,000 रुपए घंटा से सिखा देंगे वो कंपनी वाले हैं ठीक है अदर कंट्री के हैं वो चीजें जब अपडेट आती है तो हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं वेबसाइट वगैरह आप लोग पढ़ते ही नहीं है जीएसएम होस्टिंग पर इसलिए मैंने कहा सब होस्टिंग पे अपडेट आते रहते हैं उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी कि भाई ये अपडेट आया है ठीक है अब अपडेट आया हम ठीक आया है उनसे कॉन्टेक्ट करो तो उनको मेल करो उनके नंबर नहीं होते मेल करना पड़ता है वो देते हैं फिर उसको पे करना पड़ता है डॉलर में फिर वो क्लास देते हैं कि क्या नया अपडेट दिए हैं ऐसी चीजें जो हम लोग को पता चलती है तो 10,000 रुपए के घंटे के हम लोग क्लास अभी जब EMC प्रोग्रामिंग हमने कनाडा से जब सीखी थी स्टार्टिंग में तो हमने पता कितना 25,000 रुपए दिए थे और कह दिन के सिर्फ तीन दिन की मतलब कि ओनली क्लास थी 3 दिन की तो ऐसी चीजें होती है तो अपडेट किया तभी तुमसे खा पा रहे हैं यार तो हम भी घर बैठ जाएंगे तो अपडेट अपने आप को जो रखना है बस फर्क समझ में आया सबके यहाँ तक कि क्वाइल का ही काम है इसका ठीक वर्किंग समझ में आ गई आपको कैसे काम करते हैं आप आते हैं इसकी पहचान पे पहचान देख लेते हैं इसकी पहचान कैसे ये हिस्सा इसका काला होता है और ये पॉइंट सिल्वर कलर का होता है उभरा हुआ ऐसा होगा उभरा हुआ SMD कॉइल है ठीक है सफेद वाली मैंने आपको बताई थी सर्किट डायग्राम से ही पता चलेगा कि कौन है जो है वो है ठीक है कौन क्या है ठीक है सफेद होगी और कैसी होती बूस्ट कॉइल ये भी काली हो सकती नॉर्मल है ये बूस्ट कॉइल है और रजिस्टर से बड़ी होती है जो सबसे सबसे छोटा कंपोनेंट होता है रजिस्टर होता है रजिस्टेंस के पे क्या कह लो उसको उससे ही बड़ी होगी कॉइल ये लगी है बूस्ट कॉइल लाइन इस पे तो गोल्ड आती है देख ले और ये भी लगी है देख रहा हूँ क्वाइल ऐसे दिखाई देगी अब और
ये कॉइल लगी, ये काला होगा बीच का, ये सिल्वर कलर के, ये ब्राउन है, अलग कंपोनेंट है ये, ठीक। और ये सबसे छोटी है, ये अलग कंपोनेंट है, ठीक। ये काला काला है, और देखिए कॉइल, ये पूरा पूरा ब्लैक, ये कॉइल देखो पहले बताओ बताओ मोबाइल खोल लो, खोले का नहीं मोबाइल यार, ऑनलाइन वाले कॉइल पहचानो अपने मोबाइल के जो मदरबोर्ड खोल के पटाखा आगे दो लगे ये देखो यहाँ पे दो लगी हैं काली का, काले हैं एक दो, ये अलग कंपोनेंट है, ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर होता है, इसको बाद में पढ़ा। हाँ हाँ कॉइल वो नहीं है, वो भरे हुए पॉइंट है, वो अलग है, वो डायोड है। हाँ तो यही तो पहचानना, तभी तो बता रहे हैं आप नए नए में तो कनम करके सीखना तो पड़ेगा यार, नए नए पुराने पुराने होते तो ये नहीं, वो तो ऐसी है तो मैं नहीं मिली, यार दिक्कत से ही काम होगा, दिक्कत कॉल नहीं मिली, जगह नहीं होती इनकी, कहाँ अपने अंदर हो गई है। अरे भैया कहीं भी हो सकती है यार, मोरा मोबाइल है, पूरे मोबाइल से बात थोड़ा हो गई है, कारी लगो हाँ ये देखो दो कॉल लगी तो नहीं, ये कहाँ डायल कॉल है, कहाँ लगा नहीं, ये बड़ी सी है, ये वो डायोड है, ये बड़ी सी लगी कॉल, ये है कॉल काली, वो हम आपके सामने कलर जो बता दीजिए मुझे, सर हाँ ये तीन गोश्त का लिए, हाँ एक दो तीन अगर देखो ना, ये तो चलो एकदम पहचान लो, क्या पहचान लोगे उसके बगल में भी ब्लैक वाली बड़ी थी, उबरी उबरी ये रहे बगल के,
अच्छा ऑनलाइन में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछ लो भाई कॉल से, अभी जहाँ तक हमने बता दिया है। बूस्ट कॉल पहचान पाए यार, मिडिल में ब्लैक और साइड में सिल्वर ब्राउन, क्या बोल रहे संजीव? टेस्टिंग लिख लीजिए इसकी, सेम फ्यूज की तरह दोनों की टेस्टिंग यही है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है और चेक करने पर दोनों सिर्फ जब मल्टीमीटर लगाओगे तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज आएगा। क्वाइल की टेस्टिंग लिख ली, अब करके करके देख लो बीप कर रही नहीं कर रही है। ऑनलाइन भाई पूछ लो, क्वाइल फ्यूज दो कंपोनेंट खत्म हो गए, कल से दूसरा कंपोनेंट जो बताएंगे। अभी तक दो कंपोनेंट में बताया, दोनों की टेस्टिंग सेम है, काम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है। वो नहीं करेगा, अरे निकाल कर चेक कर लो जाता हो वो क्या है यार, बूट कर रहे हो नंबर डाल के गूगल पर सर्च कर लेते, क्या है डेटा शीट निकालो ना पूरी, क्या दिक्कत, क्या क्या काम करता है, कि पिन की डिटेल मिल जाएगी उसकी, मतलब जो नंबर दे रहा है पूरा बता देगा, वो नंबर डाल के और आगे लिख दो डेटा शीट, ठीक पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आ जाएगी। वो तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है? ओके करिए।